हाय हाय गाइस, गाइस, वेलकम टू द पाकिस्तानी फैमिली एंटरटेनमेंट। तो कैसे हैं आप? मेरा नाम और है मेरा नाम खुर्रम। है वजह। तो यार माता जी पहचान चुकी हैं भगवान गणेश जी और कार्तिकेय जी को, और दूसरी तरफ भाई अपने जलंधर जी तो बौखला से गए। अब आगे देखते हैं आगे होता हाँ है क्या। तो स्टार्ट भाई ना, बहुत सिचुएशन खराब है। हाय अब तो हाय, कैसा प्रतीत हो रहा है गणेश अरे अपनी सूंड के साथ? शिविरों के प्रयास फिर से, थोड़ा समय तो लगेगा ना भैया। अरे इसमें बहुत क्यूट लगते हैं यार। हाँ ना यार, क्यूटनेस तो और गणेश, ये तो अत्यंत भारी प्रतीत हो रहा है। लाओ मैं उठा लूंगा। नहीं, ये प्यार है। और वैसे भी इसमें यात्रा के लिए मोदक है। मोदक बनाना, मोदक किसी को नहीं। अरे भगवान जी की आ गए। अमरनाथ लेके जाना है। समाधि के कल्पों पूर्व पार्वती को वही आत्मज्ञान हुआ था। वहीं पे मुझे मतलब समाधि, तुम्हें उसी पद्धति का अनुसरण करना है। गणेश, तुम्हारी माता की कुछ स्मृतियां लौट आई हैं पुत्र। कुछ हाँ हाँ, किंतु स्मृतिहीनता से संपूर्ण रूप से मुक्त होने में टाइम लगेगा। अभी समय है। आधे सत्य का बोध हो चुका है, उन्हें पूर्ण सत्य हेतु और भी व्याकुल कर रहा है। इसीलिए तुम दोनों को अपनी माता का विशेष रूप से ध्यान रखना होगा। यही अंतिम चरण तुम्हारी माता को उनकी आदिशक्ति रूप से सम्मुख कराएगा। ओहो, और फिर हम सब एक साथ माँ कैलाश लौट चलेंगे। अब मैं तुम दोनों से अमरनाथ कंदरा पे मिलूंगा। हो सकता है उससे पूर्व मुझे एक आवश्यक कार्य हेतु प्रस्थान करना पड़े। उससे पहले कौन सा एक काम होगा? गुरु जी जा रहे हैं। नहीं है भाई, सैड हो रहे हैं यार। वो इनकी पढ़ाई का सोच रहे हैं और नहीं भी आए ना। भाई गुरु जी की बात नहीं मानोगे तो आप त्रिलोकाधिपति के गुरु हैं। अपनी तीक्ष्ण बुद्धि से आप मेरा मार्गदर्शन करते आए। एक बालक को यह समस्त संसार अत्यंत शक्तिशाली प्रतीत होता था, किंतु उसे कभी भी किसी का भय नहीं था, क्योंकि वह जानता था कि इस संसार में विजयी होने के लिए शारीरिक बल से कहीं अधिक आवश्यकता मानसिक बल की। और मैंने ये सिद्ध कर दिखाया। किंतु आज जब ये सारा संसार मुझे सर्वशक्तिशाली मानता है, तो कोई मेरे समक्ष मेरी योग्यता पे प्रश्न उठा रहा है। सर तीनों लोग में शक्तिशाली आप ये सोचते हैं कि मुझे आपकी सहायता की आवश्यकता नहीं, आप ये सोचते हैं कि मैं इस समस्या का समाधान अकेले ढूंढ सकता, क्या ये मेरा दोष है आचार्य, कि जो आपके आराध्य हैं, आपके शिष्य के शत्रु भी वही हैं? किंतु उन्होंने कभी तुम्हें अपना शत्रु नहीं माना। मेरे राज्य अभिषेक के समय अनिमंत्रित चले आना और सबके समक्ष मुझे अपना अंश कहना। सत्य था जो सत्य मेरे गुरु ने मुझसे छुपाए रखा। वो तो है छुपाया। मैं क्षण आपसे केवल ये कहने आया हूं आचार्य, कि सभा में आपकी उपस्थिति अनिवार्य है। मैंने एक अत्यंत महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। क्या अब क्या? जब हमें अपनी उपस्थिति की अनिवार्यता प्रतीत होगी,
तो हम स्वयं चले आएंगे। तुम दुर्बल क्यों लग रही हो पुत्री? तुम भोजन तो ठीक से करती हो ना? क्यों मुझे यह आभास हो रहा है कि तुम्हारे सुखी आवरण के पीछे कहीं कोई दुख तो नहीं छुपा हो? दुख तो बहुत बड़े आप हो गए, क्योंकि जो जलंधर जिस रास्ते पे चल पड़ा ना, लोकाधिपति से संबंधित कुछ कहीं नारायण पूजा उन्हें अस्वीकारी तो नहीं? नहीं पिताजी, आज प्रातः काल से ऐसे शंका हो रही है जैसे कुछ होने वाला है। क्या होने वाला है? कुछ होने वाला है क्या? क्षमा कीजिए महारानी, असुर श्रेष्ठ को त्रिलोकाधिपति ने सभा भवन में शीघ्र बुलाया है। यानी कि वृंदा जी के पिता को जल्दी से जल्दी कोई सभा बुलाई है ना? कुछ ना कुछ सबके लिए ये समझना कठिन है कि कर्मों का चयन भविष्य की दिशा को परिवर्तित कर देता है। क्या करने वाला है वो? यानी कि जलंधर, उसके समक्ष विकल्प तो कई हैं। यानी जलंधर कुछ करने वाला, तभी वृंदा जी परेशान है। किंतु वो उसी का चयन करने वाला है जो उसके लिए उचित नहीं। उसके लिए उचित नहीं वो करने जा रहा है। फिर क्या करने वाला है जलंधर? पता नहीं यार। हमें आशीर्वाद दीजिए। कि अब हम आपके समक्ष पूर्ण होकर लौटे। हमने न जाने कितनी बार अपनी पुत्री को विदा किया होगा। कन्या के माता पिता की यही नियति है। दुख तो होता है किंतु एक परम सुख की अनुभूति भी। ये ले भाई, सबक लग गया। ये कहना उचित नहीं होगा कि मैं किसी एक व्यक्ति के विरुद्ध, मैं विरोध करता हूं तो प्रधानता का। भय के कारण ही उन्होंने हमसे हमारी मान्यता प्राप्त की। भाई और हम बड़ा कोई बवाल होने वाले, क्योंकि भगवान शिव जी ने बोला है जो वो करने वाले उसके लिए ठीक नहीं है। तो यानी वो बहुत बड़ा बवाल करने वाला है जलंधर इस जगह पर, बहुत बड़ा बवाल। और वरिंदा जी को भी आभास होने लग गया है कुछ अच्छा नहीं होने वाला, कुछ गलत होने वाला है, तभी तो वो सैड है। और उधर से जलंधर ने वरिंदा जी के पिता को भी बुला लिया जल्दी से जल्दी। सभा लगी हुई है ना लाला जी, अब वहां पर पता नहीं ये क्या है, क्योंकि भगवान शिव जी ने भी बोल दिया। और भगवान शिव जी ने भगवान गणेश जी को बोल दिया अपनी माता को ले जाओ अमरनाथ, ठीक है, उससे पहले मैं एक महत्वपूर्ण कार्य करूंगा। कौन सा काम तो करेंगे यार? अब यही तो नहीं पता ना कौन सा काम करेंगे लाला, ये भगवान शिव जी के एक काम तो नहीं होते यार, ना पूरी दुनिया को मैनेज कर रहे हैं हर तरफ, जो भी है, जो है, जो नहीं है, सब कुछ वही मैनेज सब कुछ हर तरफ से। लेकिन वही बात है खुराम के, बहुत सिचुएशन आगे डंडा खराब होने वाली है। एक तरफ देखें क्या इस तरह से स्मृतियां वापस आ रही, यादें आ रही, दूसरी तरफ जलंधर और ज्यादा ज्यादा आगे बढ़ता जा रहा है। और आगे से अच्छा गुरुजी ने भी बोल दिया
कि यार मुझे जब जरूरी लगेगा कि मेरा आना जरूरी है तो मैं जरूर आ जाऊंगा। देख सीधी डायरेक्ट बात की। यार जलंधर अब सारी बातें नहीं सुन रहा ना, जलंधर अब उनके खिलाफ इतना तेज होता जा रहा है भगवान शिव जी के खिलाफ कि वो गुरुजी को भी एक तरह से अच्छा नहीं लग रहा। यार वो तो बात तेरी 100% ठीक है यार, गुरुजी ने तर्कासुर का भी इस मामले में साथ दिया था। हाँ उनको मशवरे देते तो यूं करो तो यूं करो, लेकिन अब फिर इसके बारी क्या हुआ है? मशवरे देता था लेकिन वो धर्म पे नहीं जाता था कि वो भगवान शिव जी को या कुछ उनके ये डायरेक्ट भगवान शिव जी के खिलाफ लड़ने पे जा रहे हैं। और उनसे वो बीवी या इस तरह से वो भी तर्कासुर उनको बोलते थे आप मेरे गुरु हैं आपको समझाना ये, तो वो इस तरीके से कर गए। ये बात है, ये जरा सिचुएशन बहुत डिफरेंट है, लेकिन ये तो डायरेक्ट भाई भगवान शिव जी को चुनौती दे रहे हैं। तर्कासुर तो चलो माता पार्वती जी के पीछे चलो इस तरह लगा होता था कि जब उनका पुत्र ना या वो उसको मार ना सके तो उसमें वो थोड़ा, क्योंकि गुरु है ना, गुरु का काम होता है। यही बात है, लेकिन अब यार सिचुएशन बड़ी खराब है। आगे देखते हैं आगे होता है क्या। तो बाय।